Hey guys, welcome back to the new video. तो आज हम लोग पोकेमोन एनिमे के एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। मेरी रिसेंटली एक वीडियो डाली 10 टाइम्स आज पोकेमोन यूज इम्पॉसिबल मूव्स एंड तुम लोगों ने क्या गजब रिस्पॉन्स दिखाया। तो आज के वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं इसी के बारे में। काफी बार ऐसा हुआ है कि आज के पोकेमोन ने भी बहुत अलग अलग टाइप के मूव्स यूज किए। हम लोग वो बात नहीं करेंगे जो एश ने बनाया, नहीं, हम लोग वो बात करने वाले हैं जो कि उसके पोकेमोन ने खुद बना लिया, ऐसा अजीब मूव्स। तो या आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे मूव्स बात करेंगे जो कि एश के पोकेमोन ने खुद डिजाइन किए हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ एश कैचम। तो आज चलो देखते हैं कि कौन से बचे हैं। मैंने कहा था 5 बताऊंगा, तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर मैंने अपना बेस्ट दिया है, अगर तुम्हें पसंद आया आज की वीडियो, तो वीडियो को लाइक मार देना यार। तो चलो यार आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5। अब तुम लोगों ने एक एपिसोड देखा होगा आर ऑफ द हाउंडओवर करके, और इसके अंदर ना ये कुत्ते पोकेमोन्स थे, बेसिकली हाउंडओवर डॉग पोकेमोन्स। एंड लेट मी टेल यू, ये पीकाचू देख के किसी को डर लगता है? नहीं ना, नहीं लगता ना। पीकाचू कहीं से भी तुम्हें डरावना नहीं लगेगा। बेसिकली तुम्हें लेयर मूव के बारे में पता होना चाहिए जो कि पोकेमोन यूज करते हैं अपने अपोनेंट्स को डराने के लिए। एंड लेट मी टेल यू, पीकाचू कांट लर्न लेयर मूव क्योंकि वो ऑलरेडी इतना क्यूट है यार। अगर वो घूरेगा भी ना किसी को तो वो डरने वाला तो है नहीं। बट एश अपना नेक्स्ट लेवल है भाई, वो पीकाचू से लेयर मूव करवा दिया था। एंड इतने में मेरे को दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब होती है जब हाउंडओवर जैसे जानवर तब डरावने डॉग पोकेमोन्स तक डर गए थे उसके लियर मूव से। मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था यार, कम ऑन डॉग पोकेमोन्स, तुम लोग भूल गए? तुम लोग वो डॉग्स हो जिसको देख के ना मैं अपनी चार गली पहले ही अपना रास्ता बदल लेता हूँ, क्योंकि मेरे डॉग से जो फटती है ना भाई, खासकर यार पीकाचू से क्यूट पोकेमोन के लियर से डॉग पोकेमोन कैसे डर सकता है और वो यूज़ कैसे कर सकता है लियर, पहले तो मुझे ये बताओ। बट इसके बावजूद एश कैचम ने उससे करवा लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4, जब एश के पोकेमोन ने खुद ही एक नया मूव इन्वेंट कर डाला। एश के बल्बसोर ने एक बार डिक की यूज़ किया है पोकेमोन द एपिसोड बल्बसोर द एम्बेसडर करके। एंड शायद से तुम्हें पता होगा बल्बसोर बहुत क्यूट पोकेमोन है, उसने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं जो कि एनिमे के अंदर सेंस भी नहीं बनाते। वो लिक मारता है, वो वर्वेंट करता है, और खासकर वो डिक तो सीख ही नहीं सकता। बट इसके बावजूद उसने इस एपिसोड के अंदर डिक मूव का यूज़ भी किया है। आई डोंट नो कैसे, बट एश कैचम ने उसे डिक मूव करवाया एंड उसने यूज़ भी कर लिया। मैं तो बता रहा हूँ एक दिन दूर नहीं है जब बल्बसोर अपने मुँह से फ्लेम थ्रोअर भी फेंकेगा। आई एम ट्रू अ फैन ऑफ यार मतलब बल्बसोर, लाइक तुम लोग देख सकते हो बैकग्राउंड, बट स्टिल यार देर इज सम लॉजिक। बल्बसोर कुछ भी कर ले रहा है, कभी डिग मार रहा है, कभी वर्विंड मार रहा है, कभी लिक अटैक कर ले रहा है, मतलब सारे मूव जो है भाई बल्बसोर तक सीमित है। एंड मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी गलत कह रहा हूँ। कुछ वक्त के बाद पता चला पोकेमोन कंपनी वालों ने उसको फ्लेम थ्रोअर भी दे दिया, और वैसे ही बल्बसोर काफ़ी सारे मूव्स जानता है ऑलरेडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3, जब एश के पोकेमोन ने एक और कमाल की हरकत की। ये बात थी शायद से अलोला रीजन की और उसके फायर स्टार्टर लिटन के बारे में। ये एपिसोड का नाम था दे माइट नॉट बी अ जायंट। इस एपिसोड के अंदर एश के लिटन ने स्लैश मूव का यूज़ किया। डिस्पाइट दिस फैक्ट कि वो एक कैट है, इसके बावजूद पोकेमोन कंपनी ने लिटन को स्लैश नहीं दिया। बेसिकली तुम्हें पता होगा स्लैश के लिए नाखून की जरूरत पड़ती है जो कि बिल्ली के पास तो होता ही है डूड, राइट? बट इसके बावजूद लिटन यूज़ नहीं कर सकता स्लैश, बट तब भी एश का लिटन यूज़ कर सकता है समहाउ, आई डोंट नो, बट या वो कर सकता है भाई। पोकेमोन लॉजिक्स के मैं एक फनी चीज़ तुम्हें बताता हूँ, यहाँ कुछ भी होता है। यहाँ एक बिल्ली है जो बिल्ली होने के बावजूद भी नोच नहीं सकती, यहाँ एक मेंढक है जिसके पास जीभ नहीं है, यहाँ पे एक लिकिटंग है जिसकी जीभ इतनी बड़ी है लेकिन उसको लिक मूव नहीं आता, यहाँ एक कुत्ता है जो कि भौंक ही नहीं सकता है। मतलब सारे करेक्टर्स का उल्टा कर रखा है इन लोगों ने, एक डॉग जो भौंक नहीं सकता, मेंढक जिसके पास जीभ नहीं है, बिल्ली से भी उसके पास पंजे छीन लिए यार इन लोगों ने। नंबर 4, अब तुम्हें पता होगा कि एक और लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में जिसका नाम है कॉस्मोक या कॉस्मोइम। एपिसोड का नाम था अ मास्ट वार्निंग। इस एपिसोड के अंदर तुम्हें पता होगा कॉस्मोक या कॉस्मोइम जिसको कोई भी भाव नहीं देता, डिस्पाइट वो लेजेंडरी है, इसके बावजूद सब उसको लिस्ट में लास्ट में रखते हैं। लेट मी टेल यू ऐसा क्यों है, लाइक कॉस्मोक कॉस्मोइम सबसे भत्ते लेजेंडरी है। एंड मैं कहते मैं हिचकिचाऊंगा भी नहीं कि तुम भी एग्री करोगे ये बात से कि उन दोनों से नलायक पोकेमोन तुमने आज तक नहीं देखा। लाइक कैटरपी भी वो दो लेजेंडरी पोकेमोन से बेहतर है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बट यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं है, एश ने कॉस्मोक या कॉस्मोइम जो भी कह लो उसे सुपरसोनिक करवाया जो कि वो सीख ही नहीं सकता। अब बताओ इसको इतना बेकार क्यों कहते हैं, क्योंकि दो ही मूव सीख सकता है, कॉस्मिक पावर है, टेलीपोर्ट किसी काम का नहीं है, कॉस्मिक पावर नॉन डैमेजिंग मूव है, तो तुम क्यों ही रखोगे यार? इससे अच्छा तुम कैटरपी रख लो जो एटलीस्ट टैकल तो करता है, राइट? तो क्या ही फायदा, लाइक इसको इवॉल्व करने में भी तुम्हें 60 लेवल तक जाना पड़ता है। नाउ लास्ट के बारे में अब हम लोग बात करने वाले एक और फनी मूव जो कि एश के पोकेमोन ने खुद ही इन्वेंट कर लिया। ये एपिसोड का नाम था द टाइज दैट बाइंड।
जहाँ तक मुझे याद है। इस एपिसोड के अंदर बल्बसौर हैराक्रॉस, तुम्हें पता ही होगा, जो बल्बसौर के बल्ब चाटता है, बट इसके अलावा भी उसने कुछ एनिमे में काम किए हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। सिर्फ बल्ब ही चाटता नहीं है वो, बहुत काम किए हैं उसने। मैं तुम्हें बता दूँ कि हैराक्रॉस एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि फ्यूरी स्वाइप्स नहीं सीख सकता, बट इसके बावजूद हैराक्रॉस ने भाई फ्यूरी स्वाइप्स किया। मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं अगर फ्यूरी स्वाइप्स करता है, मुझे दिक्कत तब आती है जब फ्यूरी स्वाइप्स जो कि नाखून से किए जाते हैं उसको तुम अपने सर से कर रहे हो। यहाँ पे कोई भी लॉजिक है? लाइक तुम अपने सर से नोच रहे हो किसी को तो हाथ से क्या करोगे, सहलाओगे किसी को? लाइक कैसे यार, हैराक्रॉस अपने सर से फ्यूरी स्वाइप्स मारा था? कम ऑन यार, ऐश के पोकेमॉन ऐश की तरह ही कुछ भी कर सकते हैं एनिमे के अंदर। ये बात से तुम लोग भी काफ़ी ज़्यादा एग्री करोगे, राइट? तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड ये पांच ऐसे मोमेंट्स जब ऐश के पोकेमॉन्स ने खुद ही एक मूव डेवलप कर लिया जो कि उनके लिए बने ही नहीं थे, अब तुम लोग समझ रहे हो ना। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर तुमने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी होगी, तो डू चेक इट आउट, वो भी तुम्हें पसंद आएगी। एंड तुम ऐसे ही अगर पोकेमॉन फैन हो एंड तुम पोकेमॉन देखते हो तो मैं बता दूं यार, इस चैनल पर हम लोग पोकेमॉन रिलेटेड बातें करते हैं और हर चीज़ यार, टॉप 10 थ्योरी, तुम बाकी की वीडियो चेक करो, तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएंगी। तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपने ओपिनियंस जरूर बताना इन फनी मोमेंट्स के बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर। तो या सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन आज का पोकेमॉन फिनिश तुम्हारे सामने है। बाय बाय।